नमस्कार, विख्यात फूड से मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको टमाटर सूप बनाना सिखाऊंगी। सर्दियाँ आ गई हैं, टमाटर बहुत ही आ रहे हैं बाजार में, तो क्यों ना टमाटर सूप बनाया जाए। इसको बनाने के लिए देखिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ हमने आधा से पौन किलो टमाटर लिए हैं, ये मीडियम साइज में 10 टमाटर हैं। इनको हम छोटा छोटा काट लेंगे। एक प्याज, आधी चम्मच जीरा, 4-6 कली लहसुन, 1/4 चम्मच चीनी और 10-15 काली मिर्च, एक तेज पत्ता ले लेंगे, नमक, एक टेबलस्पून बटर और 2 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। टमाटर हमने काट लिए हैं, आइए टमाटर का सूप बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आधा चम्मच बटर डाल लेंगे कढ़ाई में। कढ़ाई गर्म हो गई और इसमें जीरा डाल देते हैं, आधी चम्मच जीरा, 10-15 दाने काली मिर्च के, लहसुन, तेज पत्ता। प्याज डाल देते हैं। प्याज को सिर्फ 1 मिनट तक ही भूनना है, हमें इसे पकाना नहीं है, लाल नहीं करना है, हल्का सा सौते हो लेना है। इसके बाद इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। एक चम्मच नमक डाल के मिक्स कर देते हैं। मिनट हो गया है टमाटर को भूनते हुए, अब हम इसमें 1.5 ग्लास पानी डाल देते हैं। थोड़ा सा चलाते हैं और इसे ढक के टमाटर के गलने तक पका लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, आइए देख लेते हैं टमाटर पक गया या नहीं। टमाटर बिल्कुल गल चुका है, खूब अच्छी तरह पक चुका है, सभी चीजें पक गई हैं। गैस बंद कर देते हैं। यहाँ हमने 2 पीस ब्रेड लिए हैं, ये ब्रेड को हम तोड़ के इसी में डाल देते हैं। और ये थोड़ी सी चीनी, इसे भी डाल देते हैं। चीनी हम इसलिए डालते हैं कि टमाटर का खट्टापन थोड़ा सा कम हो जाए और ये टेस्ट को बैलेंस करता है। ब्रेड डालने के बाद इसे 2 मिनट और कुक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी तरह बॉयल आ रहा है, गैस बंद कर देते हैं। अब हैंड ब्लेंडर की सहायता से इसको पीस लेते हैं और ये तेज पत्ता, इसका कोई काम नहीं, इसे हटा देते हैं। आइए इसे पीस लेते देखिए बिल्कुल चिकनी चिकनी सूप पीस के तैयार है। अब इसे छन्नी से छान लेते हैं। अब एक बर्तन लेते हैं, उसमें छन्नी रखते हैं
और पूरे सूप को छान लेते हैं। ये हमने पूरा इसका छान लिया है। वेस्टेज जो भी बचती है इसे हटा देते हैं। अब ये जो सूप निकला है इसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए हम इसी कढ़ाई में इसे फिर से डाल देते हैं और इसे थोड़ी देर उबाल आने तक पकाते हैं। यहाँ टमाटर का कलर बहुत लाल नहीं था इसलिए सूप का कलर बहुत लाल नहीं आया। अगर आपको थोड़ा सा कलर चाहिए इसमें तो आप थोड़ा सा दो बूंद लाल रंग की डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे कलर नहीं डाला है। सूप में अच्छा उबाल आ रहा है और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आइए इसे सर्व कर लेते हैं। गैस बंद कर देते हैं और इसे सूप को निकाल लेते हैं सूप के बाउल में। सूप बिल्कुल बन के तैयार है। थोड़ा सा इसमें बटर डाल दीजिए और थोड़ी सी हरी धनिया से इसको सजा दीजिए। हमारा सूप बिल्कुल बन के रेडी है। आप भी इसको बनाइए। बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।